हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल दिया व्लॉग्स। और गाइस, आज का व्लॉग हमारा होने वाला है फिजियोथेरेपी के ऊपर, क्योंकि हम लोग जिम रेगुलर जाते हैं तो काफ़ी इंजरीज हम फेस करते हैं, मसल स्ट्रेन कई चीज़ें होती हैं। और दूसरा, फिजियोथेरेपिस्ट पे जाने से पहले मैं गोल्डी भैया मेरे बड़े भाई साहब हैं और वो भी एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और रिसेंटली ही उन्होंने भी चैनल स्टार्ट किया था। और उनको मैंने बोला है कि आप अपना माइक यूज़ कीजिए, उनको मैंने सजेस्ट किया था बेसिकली। तो माइक मैं भी ये K8 करके माइक आता है, हमारे यहाँ लोकल शॉप्स पे भी अवेलेबल है, एसेसरीज पे, मोबाइल एसेसरीज जो हैं। और दूसरा, उनको मैंने बोला है कि आपको भी माइक यूज़ करना चाहिए, तो मैं उनको माइक दिलाने जा रहा हूँ एक तो। और मैं आपको भी अभी वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस आपको दिखाएंगे। सो गाइस, ये है गोल्डी भैया की गाड़ी, गोल्डी भैया हमारा वेट कर रहे हैं। आइए गोल्डी भैया, कैसे आप? देखिए बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह गोल्डी भैया का एंट्री एग्जिट होता है। भाई साहब एक बार गोल्ड तो दिखाओ। ये गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड, ऐसे ही नाम नहीं रखा है गोल्डी भैया, चेन चश्मे पे भी गोल्ड। और सार से हम लेंगे माइक जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। एक हमारे अमित भैया है, कैसे अमित भैया? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया, माइक दे दीजिए जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ गोल्डी भैया यूट्यूबर के लिए। कई क्वालिटीज मिलेंगी हमारे पास। हाँ दिखा दीजिए आप एक बार। ये है अपना, आपका 1000 रुपए का। हाँ, K8 जो हम मैं अभी यूज कर रहा हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लेना चाहो तो इसमें 23,000 रुपए तक की क्वालिटी आती है, रोड कंपनी के आते हैं हमारे पास अभी जो अवेलेबल है। वैसे तो ये अच्छा है क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ और अभी भी वही यूज कर रहे हैं। तो गोल्डी भैया आप मुझे भी यही दे दो, फिर देखते हैं। हाँ, इनिशियली हमारे लिए ठीक है, जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करेगा माइक भी ग्रो चेंज कर लेंगे। तो यही हम फाइनल करते हैं गोल्डी भैया। ओके, 1000 रुपए में हमें मिल रहा है, ऑनलाइन भी 1200-1100 का है, क्योंकि अमित भैया हमारे खास है, हमारी हमेशा इज्जत रखते हैं। 5000-5000 रुपए तक का डिफरेंस तो नॉर्मल फोन पे मिल जाता है। नहीं नहीं, पीछे हम एयरपोर्ट्स भी ले गए थे, उसमें भी डिस्काउंट। सारे फोन मैं भी यहीं से लेता हूँ। आपको बड्स भी तो दिलवाए थे। तो गोल्डी भैया खोल के दिखाइए इसमें क्या क्या है। ये देखो, ये माइक रहेगा। हाँ, ये आपका माइक रहेगा जो आप गले के पास। ये जैसे हमारे पास एप्पल का फोन है तो एप्पल की ही। तो इसमें दोनों की कनेक्टिविटी रहती है फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट टाइप सी के लिए है और अगर आपको एप्पल से कनेक्ट करना है, लगा के दिखाओ। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ जी, तो हम इसको सिंपली ऐसे कनेक्ट किया और आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए। ये यहीं से पावर जनरेट करेगा, अब आपको बस इसको ऑन करना होगा। इसको प्रेस करो यहाँ से। ये देखो, इसमें फोन का बटन दे रखा है, प्रेस करो उस साइड में ये लाइट। अभी आप अपने कॉलर पे लगा लीजिए। हमने गोल्डी भैया को माइक दिलवा दिया है, अब हम जा रहे हैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में डॉक्टर जगजीत मलिक के पास और वहां जाके ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ट्यूलिप हॉस्पिटल की बैक एंट्री है और यहीं से हम जाएंगे, इसी के पास में हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का जो सेंटर है वो यहां से पास है। हेलो गाइस, मैं पहुंच गया हूं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर जगजीत सिंह मलिक के पास। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, आज जैसे वर्कआउट करते हुए मेरी बैक में मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस हो रहा है और काफ़ी टाइम से क्या है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है मेरी मसल्स, स्पेशली मेरी बैक, क्योंकि बैक हम बेसिकली हर चीज़ में हमारी यूज़ होती है, बाइसेप्स करने में भी, बैक में भी, लेग्स में भी। तो काफ़ी मैं एक भारीपन महसूस कर रहा हूँ, स्टिफनेस बहुत फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमें आज? देखो, मोस्टली क्या होता है जिम में, मोस्टली हमें इंजरीज चलती रहती होती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे जो आप बता रहे हो, विल डू कपिंग करेंगे उसके लिए हम, तो आपकी मसल्स को रिलैक्स हो जाएगा, कुछ मोबिलाइजेशन करेंगे
जो थर्स्ट जो स्ट्रेन होगा वो निकल जाएगा और कपिंग से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा काफी। ओके ओके सर, मैं आपसे ब्रीफ में ना पूछ के एक शॉर्ट में अगर मैं पूछूं कि कपिंग क्या होता है, कैसे वो हमारी एक किस पेशेंट को करानी चाहिए और क्या वो हेल्प करता है? कपिंग बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, लाइक चाइनीज मिडल ऑफ एशिया इसको पहले से रेगुलरली फॉलो करते आ रहे थे। इससे क्या होता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपिंग होती है। एक होता है लाइक रेगुलर कपिंग, एक होता है स्लाइडिंग कपिंग, एक होता है हिजामा। ओके, वो भी एक पार्ट ऑफ कपिंग ओनली। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पर्टिकुलर एरिया में, जो आज ऑटोमेटिकली रेगुलर कपिंग करेंगे, उससे क्या होता है मसल की नरिशमेंट होती है और हीलिंग में जल्दी हेल्प करता है वो। ओके ओके, हाँ तो ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर आज स्टार्ट कपिंग। काफी हद तक कलर चेंज हो गया है, पूरे रेड हो गए हैं, ठीक है। और जब हम इसको हटाएंगे, कप्स को हटाएंगे, कुछ दिन तक निशान बने रहेंगे और ये निशान जो है 1 वीक से लेकर 10 डेज में अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, अच्छा हो गया। ये ऐसे से निशान पड़ेंगे इसके ऊपर, रेडनेस आ जाएगी। ये देखो कितने अच्छे स्पॉट्स बन गए हैं। इसको अब हम जो ऑयल लगा हुआ है बॉडी से हटा देंगे, निशान हो गया है। ये लगभग 1 वीक 10 डेज तक अपने आप खत्म हो जाएंगे और इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं 15 डेज में, एक बार हम रिपीट कर सकते हैं इसको। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मेरी बैक को एक रिलीफ मिला है, एक हल्कापन मैं फील कर पा रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं 15 डेज के बाद दोबारा अगर मुझे पेन नहीं भी हो रहा है, क्योंकि आई एम रेगुलर जिम गोअर, तो मैं आपसे दोबारा कपिंग के लिए आऊँगा मैं फॉर श्योर। और मैं वो भी पूछ रहा था, इन फ्यूचर हम दूसरे किस टाइप की हम कपिंग या किसको कौन सी कपिंग आप रिकमेंड करते हैं? एक्चुअली जो कपिंग होती है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है जी, ठीक है। इसको आप लाइक 15 डेज में बर मत में रिपीट कर सकते हो और ये कोई भी करा सकता है जिसको पेन होता है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, एनी टाइप ऑफ मस्कुलर पेन, आप कपिंग करा सकते हो। कपिंग में कोई पर्टिकुलर एज है पेशेंट के लिए कि? नहीं नहीं, लाइक एट द एज ऑफ आई कैन से 14 से लेके हम लाइक 50-60 तक आराम से कपिंग करा सकते हैं पेशेंट। ओके ओके, और पर्टिकुलर वो किस किस चीज में हमारी हेल्प करता है? जैसे स्टिफनेस हो जाती है, नेक स्टिफनेस हो जाती है, गिव इमीडिएट रिलीफ आई कैन से। बेसिकली जो आजकल की जनरेशन है, जो ऑफिस गोइंग है, जिनका नेक्स्ट स्टडी हेडेक रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसके अंदर ये। ओके ओके ठीक है सर, फिर नेक्स्ट टाइम हम हिजमा या फिर फायर कपिंग भी एक होता है। हाँ, फायर कपिंग होती है, तो वो भी कोई भी करा सकता है, कोई भी करा सकता है। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो सोनीपत के मेरे व्यूवर्स हैं वो डेफिनेटली ट्यूलिप हॉस्पिटल में आ सकते हैं और डॉक्टर जगजीत से मिल सकते हैं। इफ़ यू विल टेल हिम कि आप अतुल दिया ब्लॉग्स देख के आए हैं तो ही विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड डिस्काउंट एंड सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।